हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक होप यू। आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है CE&T सिविल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो आज का जो टॉपिक है, व्हाट इज 127.39 इन डी स्क्वेयर अपॉन 127.39। स्क्वेयर बार वेट कैलकुलेशन फार्मूला में आप जो स्क्वेयर बार होता है आपके पास, तो स्टील वेट कैलकुलेट निकालते हैं तो आप एक फार्मूला यूज करते हैं, वो फार्मूला है डी स्क्वेयर अपॉन 127.39। ये कैसे आया और इसमें 127.39 क्या है, ठीक है, डी स्क्वेयर 127.39 क्या है, कैसे आया ये, इसका डिराइव क्या है, डिरेवेशन क्या है इसका, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले बताता हूँ, अगर आपने यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, youtube.com/CENT विदाउट स्पेस। यूट्यूब में आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको CENT ये चैनल आपको मिल जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ये फर्स्ट में ही आएगा, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इस चैनल में जो भी मैं नई नई वीडियो लेकर आता रहूँगा वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं, तो व्हाट इज 127.39, ठीक है, यूट्यूब चैनल है आपका CENT। तो इसमें क्या करना है, 127 निकालना है। आपको मैंने बताया था राउंड बार में, अब आपको बताता हूँ मैं स्क्वेयर बार में। सपोज कीजिए आपके पास ये एक लेंथ है, ये एक लेंथ है आपके पास और ये लेंथ है हमारे पास 1 मीटर, ठीक है, ये हमारे पास है 1 मीटर। और इसका जो डाया है, डाया हमारे पास हमेशा स्क्वेयर में होता है डाया, ठीक है, ये मान लीजिए ये डाया है, इसकी लेंथ भी है और उसकी वो सॉरी विड्थ एंड हाइट दोनों इसकी बराबर होती है तो वो स्क्वायर में आ जाता है। स्क्वायर का आपने देखा होगा वन स्क्वायर एरिया निकालना है, एरिया निकालने के लिए हमेशा ऐसे यूज करते हैं ना, स्क्वायर एरिया का हमेशा एक स्क्वायर होता है, ठीक है। फोटा आपके पास है कोई भी है ले सकते हैं, हमें ये डिराइव करना है, जैसे कि 8 mm से लेकर 50 mm जितना भी वेट हमें निकालना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, तो हमें क्या सबसे पहले क्या पता है हमारे पास वॉल्यूम, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ स्टील, ठीक है, वॉल्यूम करना है। वॉल्यूम करने के लिए हमारे पास आता है हमारे पास एरिया इनटू लेंथ, ठीक है, और वेट निकालना है। वेट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या हमारे पास एरिया इनटू लेंथ, डेंसिटी क्या है हमारे पास 7850, ये हमारे पास डेंसिटी हमेशा याद रखना, स्टील की डेंसिटी जो स्टील की होती है 7850 केजी पर मीटर क्यूब, एक मीटर क्यूब में 7850 केजी स्टील वेट होता है, ठीक है। तो एरिया हमारे पास क्या है, एरिया स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए बोर ए स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर डाया स्क्वायर, क्योंकि लेंथ इसकी हाइट भी डी है और इसकी विड्थ भी डी है, तो हम इसको एरिया स्क्वायर या फिर इसको हम डी स्क्वायर डाया, क्योंकि इसको बराबर है विड्थ भी, ये सपोज कीजिए ये भी 6 mm है और ये भी 6 mm है, ठीक है, तो इसको बराबर है स्क्वायर का निकाले, स्क्वायर हमेशा बराबर दोनों तरफ बराबर होता है, तो इसको डी स्क्वायर इंटू लेंथ हमारे पास क्या है 1 मीटर और डेंसिटी क्या है स्टील वेट की 1050। हमें डाया, अगर डाया हमारे पास अगर सीधा सीधा फार्मूला निकालना है, अगर डाया आपको फाइंड आउट करना है, अगर ये mm को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो आप इसे डायरेक्टली इससे कर सकते हैं। पूछ कीजिए अगर आप देखिए अलग बताता हूँ, अगर आपके देखिए फार्मूला आ गया आप डायरेक्ट, डाया है आपके पास इक्वल टू जीरो डाई स्क्वेयर 0.006, देखिए 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm, 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm, तो आपके पास है 6 mm, तो 6 के इसको डिवाइड कर देंगे, अगर मीटर निकालना है तो इससे आप 6 से
अगर 6 mm है तो उसको 1000 से कर देंगे, क्योंकि 1 mm है, तो आपके पास है 6 mm 6 mm बाई बाई 1000, तो इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम पास है 0.006 × 7850। इसके बाद भी आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। डी स्क्वेयर अप डी इसके फार्मूला फाइंड आउट करना है। डी स्क्वेयर अपॉन वही है, mm है 1 मीटर, 1 मीटर को हम mm में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें डाया हमारे पास जो होता है mm में होता है। ठीक है, 1850 है, 1850 ये मीटर क्यूब है, इसको भी हम मीटर ऐसे क्यूब आ जाता है ना, क्यूब 1850 kg पर मीटर क्यूब, ये भी पर 1000 × 1000 × 1000 ऐसे किसी को फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, स्क्वेयर ये क्रॉस कर देते हैं, 1 0 से 1 0 गई, तब तो आपके पास क्या आ गया, डी स्क्वेयर इंटू 785 upon 1020। ठीक है, 3 ही या 2 ही, 1000 1000 क्रॉस हो गया, 1 0 से 1 0 क्रॉस, तो ये आपके पास आ गया डी स्क्वेयर इंटू 785 डिवाइड बाई 1000। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, डी स्क्वेयर इंटू इसको डिवाइड करने पर आपके पास क्या आता है, 0.00123456 है, 5 0 है, तो 1 2 0 लगा लेंगे तो 785। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई वन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो इसको छोड़ा छोटा करने के लिए, अगर इसको डायरेक्टली भी अगर आपको ये याद हो गया तो आप डायरेक्टली वेट निकाल सकते हैं, डी स्क्वेयर इंटू 0.00785 डायरेक्टली भी वेट निकाल सकते हैं स्क्वेयर बार का। अगर आपके पास डी स्क्वेयर आपके पास 10 mm, 10 का अगर आपके पास है 10 mm, तो 10² × 0.00785 डायरेक्टली ये भी वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा छोटा करने के लिए फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए ये ज्ञात करना है 127.39 कैसे आया, तो छोटा करने के लिए फाइंड आउट करने के लिए आपके पास आना चाहिए डी स्क्वेयर 1 upon 0.00785। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आएगा, ठीक है बराबर है डी स्क्वेयर अपॉन, अगर इसको छोटा देखो, ए वन से इसको मल्टीप्लाई किया डी स्क्वेयर, और इसको छोटा छोटा करने के लिए ये नीचे आने के लिए ये आएगा 1 upon 0.00785, तो इसका वन से अगर 0.0785 को इसको वन से डिवाइड करते हैं आपके पास क्या आता है, डी स्क्वेयर अपॉन 127.3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी स्क्वेयर अपॉन 127.38 इसको 88 है तो उसको 9 में कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल आपके पास ये आएगा, थोड़े निकालने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर आपको निकालना है एक्चुअल, तो हमेशा ये याद रखना है एक्चुअल निकालने के लिए, अगर आपके पास लेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है आपके पास वेट, तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन बिल्कुल आप एक्चुअल से ही निकालिए। ठीक है, फिर उसमें परसेंटेज भी आती है, ये भी आता है, ये आपके पास आ गया 1 मीटर क्यूब में, फार्मूला आपके पास डी स्क्वेयर अपॉन 127.39, ये आपके पास स्टील वेट का फार्मूला आ गया। सपोज कि ये आपके पास है डाया, डाया है आपके पास 12 mm, स्क्वेयर बार आपके पास 12 mm है, इसका कैसे करेंगे, 12 × 12 upon 127.39, 144 upon 127.39, तो इसका क्या फार्मूला आएगा आपके पास, वेट क्या आएगा, 1.13 kg/m। अगर आपके पास डाया है, अगर आपके पास डाया है 15 mm, सपोज कीजिए 15 mm, ये आपके पास स्क्वेयर बार है, इसका डाया है 25 mm, तो वेट क्या आएगा, तो फार्मूला वही करना आपके पास 127.39 = d है आपके पास 25 × 25 upon 127.39, इसको डिवाइड करने पर आपके पास क्या आता है 4.91 मल्टीप्लाई डिवाइड 1 kg/m।
ये केजी पर मीटर आया है। अगर आपको ये वेट निकालना है पर फीट में, अगर आपको ये वेट निकालना है पर फीट में, 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट, ये होता है ना, 1 मीटर इक्वल टू 3.28। अब आपको, आपके पास वेट है 12 mm का, 1 मीटर में 1.13 kg पर मीटर, ये पर मीटर है, तो इसको आप डिवाइड कर देंगे मीटर में कितना होता है, 3.28। 1 मीटर है, मीटर मीटर डिवाइड कर 1 मीटर में 3.28, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये क्या था आपके पास 12 mm का, तो ऐसे वेट निकल जाएगा आपके 1 फीट में, ठीक है। 3.28, 1.33 इस केजी से डिवाइड करेंगे, आपका ये फीट में आ जाएगा, ये जो भी आएगा केजी पर फीट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही वीडियो मैं आपके पास लेता आता रहूँगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू, बने रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।